नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार प्लस में। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। 10 मिनट में 50 खबरों की शुरुआत करते हैं। पीएम मोदी आज शाम 7 बजे प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी शामिल होंगे। समारोह में बिम्स्टेक देशों के राष्ट्र प्रमुख भी शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह से पहले राजघाट पर पीएम मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। नरेंद्र मोदी दूसरे कार्यकाल के लिए आज शाम 7 बजे लेंगे शपथ। महाशपथ से पहले पीएम मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी को किया नमन। अटल स्थल पर बीजेपी के सभी 303 सांसदों ने दी श्रद्धांजलि। पीएम नरेंद्र मोदी ने वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मौके पर तीनों सेना के अध्यक्ष मौजूद रहे। लखनऊ के पार्टी कार्यालय में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर करेंगे बैठक। लोकसभा चुनाव 2019 में पार्टी को मिली हार पर करेंगे मंथन। यूपी कांग्रेस कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों और सदस्य बैठक में रहेंगे मौजूद। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को 3 जून को आजमगढ़ का दौरा है उनका। अखिलेश यादव जनता का करेंगे धन्यवाद। सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं और नेताओं से भी अखिलेश यादव मुलाकात करेंगे। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के निर्देश पर प्रदेश के राजकीय हाईस्कूल और इंटर कॉलेजों के शिक्षकों के ऑनलाइन स्थानांतरण के लिए आवेदन की तिथि को बढ़ाकर 7 जून कर दिया गया है। बदायूं में 10 रुपए का लालच देकर मनबुद्धि नाबालिग बच्ची के साथ चाचा ने रेप की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रायबरेली में पुत्र मुंह में, पिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 10 महीने पहले बेटे की तालाब में डूबने से मौत हो गई थी। मानसिक रूप से पिता परेशान रहते थे। जालौन में छेड़खानी का विरोध करना एक दंपत्ति को भारी पड़ गया। दबंगों ने दंपत्ति के साथ जमकर मारपीट की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बुलंदशहर में मामूली बात को लेकर हुए विवाद के बाद दो गुटों में जमकर पथराव हुआ। दोनों गुटों के 12 लोग घायल हो गए। पुलिस ने 33 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शाहजहांपुर में घरों में उतरे 11,000 बिजली के करंट से लगभग 12 लोग घायल हो गए। 3 लोगों की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। घायलों में 2 मवेशियों की मौत हो गई। प्रयागराज में फल सब्जी और चाय की दुकान में अचानक आग लगी। आग से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। मेजा थाना क्षेत्र के शंभू चौक मोड़ के समीप का मामला। प्रयागराज में ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगी। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। सूचना पर मौके पर पहुंची 2 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। लखीमपुर खीरी के मंडी समिति गेट के सामने लगे होमचों में अज्ञात कारणों के चलते आग लगी है। चंदौली के पेपर मिल में आग लगी। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 25,000 का इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। रामपुर में महिला दरोगा ने 2 युवकों के पास से तमंचे और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों युवक घटना को अंजाम देने के लिए जिला कलेक्ट्रेट आए हुए थे। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने 25 शातिर अपराधियों को पूरे जिले से गिरफ्तार किया है। सभी बदमाश जनपद में लूट, स्नैचिंग और हत्या की वारदातों में लिप्त थे। ललितपुर में बेखौफ होकर खनन माफिया वन क्षेत्र में अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं। दरोगा इलाके में खनन होने से इंकार कर रहे हैं, जबकि खनन माफिया लगातार इलाके में खनन कर रही है।
कोचिंग सेंटर्स में आग बुझाने के इंतजाम न होने पर बंद कोचिंग सेंटर होंगे। मैनपुरी में जिला प्रशासन ने अब कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ कमर कस ली है। प्रशासन ने भारी पुलिस बल के साथ कोचिंग सेंटर्स का औचक निरीक्षण किया। कासगंज के एठपुरा गांव में मिट्टी में दबने से दो महिलाओं की मौत हो गई, एक महिला घायल हुई है। इलाज के लिए घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गाजीपुर के मिर्जाबाद मानिया गांव के पास कोचिंग जा रहे छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक के परिजनों ने थाने में आरोपी के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ललितपुर जनपद के जखौरा थाना क्षेत्र में एक युवक ने पुलिस के उत्पीड़न से क्षुब्ध होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिवार के लोगों ने जांच कराने की मांग की है। बरेली में एक महिला दरोगा की सिर कुचलकर निर्मम हत्या कर दी गई। महिला दरोगा की हत्या पुलिस लाइन में बने सरकारी आवास में हुई। दरोगा की हत्या से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र के काशीराम पार्क में एक अज्ञात व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर मौजूद, जांच पड़ताल और पूछताछ में जुटी हुई है। आजमगढ़ के तरवा थाना क्षेत्र के मुख्य कस्बे में मामूली विवाद को लेकर युवक ने दुकानदार को गोली मार दी। गंभीर हालत में युवक को वाराणसी रेफर किया गया। आपुड़ में बस में यात्रा कर रहे एक बुजुर्ग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बस चालक ने पुलिस को यात्री की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की जानकारी दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बाना में दो बंचलों ने एक किशोरी को केरोसिन डालकर आग लगा दी और फरार हो गए। अस्पताल में इलाज के दौरान किशोरी की मौत हो गई। शामली में एक विवाहिता की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप विवाहिता के परिजनों पर लगा है। परिजन घटना के बाद से मौके पर फरार है। सहारनपुर में एक मकान से युवती की सिरकटी लाश मिली है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है। एसएसपी सहारनपुर ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। आरोपी मौके से फरार है। आजमगढ़ के समदी गांव में गेहूं के खेत में पिछले दिनों अज्ञात महिला का शव पुलिस ने शिनाख्त कर ली है और हत्या का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आजमगढ़ पुलिस ने दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने के बाद से फरार 25,000 के एक इनामी आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। आरोपी की कब्जे से कत्ल में इस्तेमाल एक चौपड़ और एक चोरी का मोबाइल बरामद हुआ। शाहजहांपुर में दबंगों ने मामूली विवाद के बाद मंदबुद्धि युवक को तालिबानी सजा दी। वीडियो वायरल होने के बाद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस दबंगों की तलाश में जुटी हुई। बिजनौर में मंचले युवक की राहगीरों ने जमकर धुनाई कर दी। आए दिन युवतियों के साथ करता था मंचला छेड़खानी। लोगों ने खुलेआम लाठी डंडों से मंचले की पिटाई की। बरेली में पुलिस ने 30 लाख रुपए की 500 पेटी अवैध शराब जब्त की है और दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों तस्कर हरियाणा के ही रहने वाले हैं। शामली के थाना भवन क्षेत्र में राधा स्वामी सत्संग भवन में हुई लूट का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से लूटा गया माल भी बरामद किया है। आगरा में महिला को दबंगों ने गोली मार दी। गोली मारने की घटना के पीछे रंजिश सहित अन्य कारणों की जांच की जा रही है। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने उत्तराखंड और देश में भाजपा की जीत पर बयान देते हुए कहा कि देश ने पीएम मोदी के काम पर भरोसा जताया है। यही वजह है कि कई हिस्सों में 50% से ज्यादा वोट भाजपा को मिले। बीजेपी
सभी विधायकों के विवाद की जांच कर रही समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट को सौंपी है। सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट में विधायकों पर कार्रवाई की संस्तुति की गई। अजय भट्ट का कहना है कि रिपोर्ट के अध्ययन के बाद से ही कोई फैसला लेंगे। रुड़की पहुंचे स्वामी असीमानंद ने कांग्रेस पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मुसलमानों को खुश करने के लिए देश के हिंदुओं को नाराज कर दिया है। कांग्रेस के नेताओं ने भाजपा को नुकसान पहुंचाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए। उत्तराखंड जल विद्युत निगम द्वारा डाक पत्थर बैराज डैम की डाउन स्ट्रीम में नदी के किनारों पर कराए जा रहे उच्चता निर्माण कार्यों में जमकर लापरवाही बढ़ती जा रही है। संवेदनशील इस पॉइंट पर मजदूर अपनी मनमर्जी से निर्माण कार्य कर रहे हैं। अल्मोड़ा में रामगंगा में डूबने से दो भाइयों की मौत हो गई। दोनों भाई नहाने के लिए नदी में गए हुए थे। देहरादून में मंचले की पिटाई का वीडियो जमकर वायरल हुआ है। यहां रेस्टकोर्ट्स में दो युवतियों ने मंचले को जमकर पीटा। रेस्टकोर्ट्स राजधानी का वीवीआईपी इलाका है। हरिद्वार में नहीं थम रहा निर्मल अखाड़े में संतों के बीच विवाद और एकड़ खुर्द की बेशकीमती जमीन को लेकर अखाड़े के दो पक्षों में तलवारें खिंच गई है। मौके पर तनाव है, पुलिस बल तैनात है। हल्द्वानी में भी कोचिंग सेंटर्स की सुरक्षा नाम भरोसे ही है। पूरे कुमाऊं से परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग करने के लिए छात्र हल्द्वानी आते हैं, लेकिन यहां उनकी सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। श्रीनगर में भगवान बद्रीनाथ केदारनाथ समिति हेमकुंड यात्रा अपने चरम पर है, लेकिन यात्रा सीजन पर NH-58 पर लैंडस्लाइडिंग जोन यात्री समेत आम आदमी के लिए सिरदर्द बनी हुई है। हालांकि अब सड़क परिवहन मंत्रालय भूस्खलन जोन का ट्रीटमेंट करेगा। दिल्ली से बाइक चोरी कर नेपाल ले जा रहे दो युवकों को शारदा बैराज चौकी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों अभियुक्त नेपाल के निवासी हैं। नैनीताल में ब्लैक हिमालयन भालू का रेस्क्यू करने गए डॉक्टर पर भालू ने हमला कर दिया। डॉक्टर ने भागकर अपनी जान बचाई। टीम ने ट्रैंक्यूलाइज कर भालू को रानीबाग रेस्क्यू सेंटर भेजा है। चमेली में एक सप्ताह से लगातार जंगल धू धू कर जल रहे हैं। वन विभाग के लगभग 500 से ज्यादा फायर वॉचर और एक कर्मी आग को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका है।